तो स्वागत है आप सभी का YouTube के चैनल ऑटोगुड ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत स्कॉर्पियो एन को लेके है। स्कॉर्पियो एन में हाफ क्लच में कार को ड्राइव करने पे आपको क्लच में क्या नुकसान होता है, इसे रिलेटेड आपको जानकारी देनी है। किस तरह से क्लच का नुकसान होता है, इस लापरवाही से ड्राइव करने में आपका कम से कम 24,000 रुपये का नुकसान इसमें होने वाला है, ये भी जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है। ये है फ्लाई व्हील, फ्लाई व्हील बोलते हैं इसे। फ्लाई व्हील क्रैंकशाफ्ट के ऊपर फिक्स होता है और ये नीचे क्लच प्लेट और ये प्रेशर प्लेट। ये क्लच प्लेट और ये है आपका गियर बॉक्स। इसमें ये क्लच बैरिंग, क्लच सिलेंडर, स्लिप सिलेंडर, क्लच बैरिंग और ये क्लच प्लेट जो हाफ क्लच में इसमें डैमेज हुई है। ये प्रॉपर शाफ्ट है 4x4 के लिए। ये पूरा गियर बॉक्स है। कुछ इस तरह से ये फ्राई, ये 4x4 का गियर बॉक्स और ये है फ्लाई व्हील जो क्रैंक शाफ्ट से जुड़ी हुई रहती है इंजन के ऊपर। ये प्रोपेलर शाफ्ट है और ये है आपका डिफरेंशियल, जो प्रोपेलर शाफ्ट डिफरेंशियल पे जुड़ा हुआ रहता है। ये है प्रेशर प्लेट, ये पुरानी वाली प्रेशर प्लेट है जो एक क्लच, ये इसके फिंगर्स हैं। इसके ऊपर क्लच बैरिंग, जब हम क्लच दबाते हैं तो क्लच बैरिंग इन फिंगरों को प्रेस करती है। और ये है क्लच प्लेट जो ख़राब जल चुकी है। ये क्लच प्लेट जो जल चुकी है हाफ क्लच में ड्राइव करने से इसका लेदर निकल चुका है। ये इस प्रेशर प्लेट के ऊपर जो है फिक्स होती है। ये हमारे टूल बॉक्स हैं और ये है क्रैंकशाफ्ट जिस पे पिस्टन और प्रेशर प्लेट, पिस्टन और फ्लाई व्हील इस पे फिक्स होता है। ये है गियर बॉक्स, तो किस तरह से है। अब इसके ऊपर फ्लाई व्हील के ऊपर क्लच सेट फिक्स होता है, क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट इसके ऊपर फिक्स रहता है। अब इस स्कॉर्पियो एन में हाफ क्लच में ड्राइव करने के बाद क्लच प्रॉब्लम में आया है। ये है इसका डिफरेंशियल जो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है दोनों टायरों के ऊपर एक्सल के द्वारा। ये है नया क्लच सेट, ये क्लच प्लेट है, ये ऐसे आएगा ना, ये क्लच प्लेट, ये वाला हिस्सा आएगा नीचे, है ये ऊपर, ये ऊपर आएगा, ये ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया है। ये लिखा हुआ ना गियर बॉक्स साइड, है है ये लिखा हुआ ना गियर बॉक्स साइड। अच्छा, ये गियर बॉक्स साइड लिखा हुआ ना, लिखा हो गया गियर बॉक्स साइड, कन्फ्यूजन हो गया सबका। बढ़िया, फिर फ्लाई व्हील पे इस तरह से फिक्स होता है। प्रेशर प्लेट और फ्लाई व्हील के बीच में होती है क्लच प्लेट, इस तरह से हमने इसमें लगा दी है। ये 6 बोल्टों से ये फ्लाई व्हील पे फिक्स किया जाता है।
ये है क्लच सेट। इस तरह से इसका सेंटर में लाया जाता है जो कि सेंटर इसलिए मिलाया जाता है ताकि हमारा जो गियर बॉक्स है वो फिक्स करने में कहीं पे रुके नहीं। फिर ये 6 बोल्ट इसके टाइट किए जाते हैं। 6 बोल्ट टाइट करने के बाद फिर हम इसमें गियर बॉक्स फिक्स करेंगे। छः बोल्ट के साथ में है ये क्लच बेयरिंग है पुरानी वाली, इसको खोल के रिमूव कर दिया है। ये इसकी जगह फिर नया क्लच बेयरिंग लगाएंगे। ये है कुछ नया क्लच बेयरिंग, ये फिक्स कर दिया है 2 बोल्टों से। और इस क्लच बेयरिंग पे फिक्स होता है स्लीप सिलेंडर। ये स्लीप सिलेंडर है, जो क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट 11845 का है। ये सेट क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट का सेट 11845 रुपये का। और एक क्लच बेयरिंग है 4,500 रुपये। 3 से 3,500 रुपये तक इसका लेबर चार्ज होगा। ये क्लच बेयरिंग 4,525 रुपये का है। सिलेंडर 297 रुपये का, स्लीप सिलेंडर 297 रुपये। लगभग एक क्लच का खर्चा, ये क्लच का जो खर्चा होगा 24,000 रुपये के करीब क्लच का खर्चा आएगा।